सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग फिर से आ गए आपके पास नया वीडियो लेके। कौन सी है वो देख लीजिए। तो ये दोनों बाइक है हमारे पास, हालांकि मैं एमटी के साथ कर चुका हूँ, बट ये BS6 है। और ये हमारी होंडा हॉर्नेट 2.0 रेप्सोल एडिशन, स्पेशल एडिशन, लिमिटेड एडिशन, कुछ भी बोल लो। बाइक का इंजन सेम है, बस कॉस्मेटिक चेंजेस हैं जो कि स्टिकर लगे हुए हैं रेप्सोल का। और ये है हमारी एमटी BS6 जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगती है। इसका जो कलर स्कीम है बहुत बढ़िया है, और इसमें बहुत सारे कलर स्कीम भी आ चुके हैं, तो देख लीजिए एक बार ओवरव्यू। दोनों बाइक में पावर लगभग मुझे सेम लगती है, बट मुझे लगता है एमटी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि इसमें R15 का इंजन है एंड 155 cc की है। ये 184 cc की है। ये हाई रेव इंजन है, ये इतना हाई नहीं है, बट रिजल्ट में पता चलेगा वो तो। और वेट दोनों का सेम है, ये रहे रोड फाल्कन। तो वेट ऐसा, मैं आज राइडर लेके आया हूँ जिसका वेट एकदम सेम है। तो मिलते हैं आपसे सीधे ड्रैग में और बताते हैं दोनों के क्या है परफॉर्मेंस। इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, जाके फॉलो कर दो, ठीक है। अभी मैं चलाने जा रहा हूँ एमटी BS6 MD15 और रोड फाल्कन चलाने जा रहे हैं हमारे अभिषेक भाई हॉर्नेट। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। बाकी बाइक दोनों बढ़िया है, कोई भी ले लो, मेन होता है पैसा। पैसा अगर आपके पास है तो कोई भी बाइक लो। इनिशियल बढ़िया है उसका, रेप्सोल का इनिशियल बढ़िया है, लेकिन इससे नहीं जीत पाएगी। जीता हूँ भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है, तीन राय भी नहीं है, एक ही राय है। एक राय अपनी यही है कि हम जीत गए, हम जीत गए और मजा कर लिया भाई। एकदम पीछे थे आप। अरे भैया हम कहे, ये तो पीछे है हमारे, पीछे थे और स्लिप स्ट्रीमिंग करते हुए हिट किया है। तो स्लिप स्ट्रीमिंग करते हुए आ रहे थे और हमने कहा, अब तो मैंने जैसे ऐसे मुड़ा, यूं देखा मैंने, अबे हमने कहा अबे ये तो पीछे ही है। सरप्राइज मदरफकर। तो चलिए अब मैं राइडर चेंज करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। चलो भाई, इनिशियल में भाई बराबरी लगभग है, इनिशियल जो इसका है। तो इनिशियल तो लगभग बराबर रहा है, टॉप एंड में ये निकला है, लेकिन स्लिप स्ट्रीमिंग करके मैं इसके कोप अप कर लिया हूं, लेकिन ये बाइक जैसे ही विंड में आ रही थी तुरंत बैक चली आ रही थी। फिर इसका रेव लिमिटर पावर नहीं है ना, पावर नहीं है, हाई रेव इंजन नहीं है ये, इसीलिए भी पीछे चली जा रही थी। हाई RPM में इसका टॉर्क कम है ये। हां मेन चीज वही हो गया, हाई RPM, हाई रेव इंजन नहीं है, रेविंग इंजन नहीं है। सिंपल भाषा में कहें बहुत सारी चीजें बोल सकते हो उसको, बहुत चीजें। हां इतना अगर हम लोग डिटेल में बनाने लग जाएंगे ना, तो एक वीडियो 50 मिनट की बनेगी, फिर लोग गरियाएंगे भी। और
हाँ अभी जैसे अभी अभी जैसे मैं रेस कर देता हूँ रॉयल से बुलेट से, तो बोलते हैं लोग ये बुलेट जो है ना रेसिंग के लिए नहीं बनी है। मैंने कहा जिससे मैं रेस कर रहा हूँ वो भी तो रेसिंग के लिए नहीं बनी है भाई, सी बी 350 रेसिंग के लिए बनी है क्या? ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं इन लोग, अगर हम समझाने लग जाएंगे ना तो भाई मतलब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। चलिए राइडर चेंज हो चुके हैं और अभिषेक भाई चला रहे हैं हमारे BS6 MT15। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो इसका इनिशियल बहुत तगड़ा है उससे, लेकिन मिड रेंज नहीं है। ये निकली MT, लेकिन हम भी कम नहीं है। ये यस यस होंडा, यस यामाहा, यस होंडा। बस बगल में ही हूँ इसके, मैं देख लो मेरे को विंड ड्रैग पड़ रहा है तो मैं पीछे होता चला जा रहा हूँ। आ गया लिमिटर, आ गया लिमिटर, क्या ये देखिए, ओ माय गॉड 128 पे लिमिटर हिट हो रहा है। तो थोड़ी सी पावर की कमी हो गई यहाँ पे, 6 गियर की कमी हो गई, लिमिटर हिट मर रहा है। चलो भाई रेस बंद करते हैं यहीं पे, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हो भाग दी के बोझ दी के हो गया है तो। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं बिना किसी भाई, पता है पीछे ही था वही लिमिटर मार रहा था, लिमिटर कर रहा था। हाँ मैं तुम्हारे ऐसे था, ऐसे मैं जानबूझ के पीछे नहीं घूमा। हाँ। क्यों? कि मैं पीछे घूमूंगा विंड ड्रैग आ जाएगा, मुझे पता है तू पीछे फील हो रहा। तो इसका जो है ना इनिशियल बहुत अच्छा है, मिड रेंज में थोड़ा सा लो हो जाती है और टॉप एंड में पूरी लो हो जाती है। और इसका जो है ना, इसका इनिशियल लगभग ऑलमोस्ट सेम है, मिड रेंज ठीक है, टॉप एंड अच्छा है। तो यहाँ पे दोनों नेकेड बाइक हैं, दोनों का मैंने कंपैरिजन बता दिया। प्राइस के मामले में ये महंगी है, ये 158 की है, 167 अराउंड है समथिंग अप्रॉक्सीमेटली, वैसे मुझे पता ही है 167 की है लगभग, मतलब समझ जाओ बस। ठीक है तो चलते हैं फिर, ये वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, रैपअप करते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है। और इंस्टाग्राम में जाके मेरे को फॉलो करो यार, जल्दी से करो यार, क्या कर रहे हो यार। और रमता जोगी चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ट्रैवल कैसे करूंगा मैं, है ना। पैसा भी तो आना चाहिए भाई, है ना, थोड़ा मोटिवेट करो, कमेंट करो, बढ़िया बढ़िया कमेंट आते हैं आपके, वैसे थैंक्स है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।